खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है, देयर इज़ नो टू डाउट अबाउट इट, क्योंकि बहुत सालों से ये सपना देखा था मैंने कि एक दिन मैं मिस्टर इंडिया बनूं, और जब ये डिक्लेयर हुआ बता नहीं सकता कितने अमाउंट की खुशी थी, शायद इतनी खुशी कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी मैंने। बट एट द सेम टाइम टाइटल जीतते से ही एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि इसके पहले जो मैं कर रहा था वो सिर्फ अपने लिए कर रहा था, और टाइटल जीतते से ही मेरी देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वेल दिस गोज बैक टू 2006 व्हेन आई वाज जस्ट 14 इयर्स ओल्ड, और मैं एक बहुत ही छोटे टाउन से आता हूँ जिसका नाम है परभनी, और वहाँ पे एक लोकल पैजेंट हो रहा था जिसका नाम था मिस्टर परभनी, तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और 2006 में मैं उसका विनर रहा था। तो उसी टाइम पे एक मैंने सपना देख लिया था, अब जो मैं मिस्टर परभनी बन गया हूँ तो एक दिन मिस्टर इंडिया ज़रूर बनूँ। सो इट स्टार्टेड बैक देन, एंड 11 साल लग गए ड्रीम पूरा होने में, बट आई एम ग्लैड कि जो सपना मैंने देखा था वो पूरा हुआ। वेल अभी जो मैंने अपने पिछले आंसर में आपको बताया, जब मैं छोटे शहर परभनी से आया था तो जब भी मुझसे कोई बात करता था तो तुरंत पहचान लेते थे कि अरे आप शायद परभनी एरिया के या मराठवाड़ा एरिया के हैं, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो आपके हिंदी में या आपके इंग्लिश में भी इनफैक्ट वो टोन आता है। तो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग डिसएडवांटेज आई वुड फील इन द इंडस्ट्री। तो मैंने अपनी एक्सेंट को सुधारा, मैंने अपने बोलने के तरीके लहजे को सुधारा, उस पर बहुत ज़्यादा काम किया। अलॉन्ग विद दैट, यू नो, जब आप छोटे शहर से आते हो तो उन्हें लगता है कि सब कुछ खाना चाहिए, घी खाना चाहिए, बटर खाना चाहिए, उससे हेल्दी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें जब आप बड़े सिटी में आते हो आपको रियलाइज़ होती है अरे ये सही नहीं है। आपको छोटी छोटी चीज़ें मॉनिटर करनी है, अपनी कैलोरी काउंट मॉनिटर करना है, अपना फैट आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं ये चीज़ें मॉनिटर करनी है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप सीखते हो, उन पर गौर करते हो, और फिर वो उनको अपने लाइफस्टाइल में इनकलकेट करते हो। तो आई थिंक मैंने इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम किया है। नॉट टू फॉरगेट, मेरी इंग्लिश जब मैं शहर से आया था वॉजंट रियली नाइस, तो आई रियली वर्कड हार्ड ऑन माई ग्रामर एंड माई एक्सेंट फॉर श्योर। स्ट्रगल और मेहनत तो डेफिनेटली आपने बहुत सही बात बोली है कि बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जब मैं छोटे सिटी से बिलोंग करता था, और यू नो छोटे सिटीज़ में बहुत ज़्यादा सेटबैक्स होते हैं, एक्सपोजर कम होता है, भले ही वहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, तो द वे यू आर ब्रॉट अप इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू आर ब्रॉट अप इन द सिटीज़। बट ऑफकोर्स आपको बहुत छोटी छोटी बातों पर गौर करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल योर लाइफ स्टाइल, द वे यू ईट, योर डाइट, योर वर्कआउट रूटीन, अलॉन्ग विद दैट आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका एक्सेंट हो गया, आपका इंग्लिश ग्रामर हो गया, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू पीपल। सो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम यूजुअली सोचते नहीं हैं, बट जब हम इंडस्ट्री या कैमरा फेस करते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे में कितनी खामियाँ हैं जो हमें सुधारनी है। सो दैट रियली टेक्स टाइम एंड हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी आई फील। बचपन से ही मुझे एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब मैं कॉलेज में था, मैं मुंबई से अपना कॉलेज बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था, और उसी दौरान मुझे लगता था कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, मैं ये चीज़ एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि जब मैं जान लूँगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ तो आई थिंक वो चीज़ मेरे लिए उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगी। डेफिनेटली मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बट मैं वो अंदर से करूँगा और कंसिस्टेंट उसके ऊपर रह पाऊँगा। तो आई फील जब मैं मुंबई आया था तो एक्सप्लोर करते 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 एक दिन मुझे ये चांस मिला कि मैं एक फैशन कंसल्टेंट की जॉब को एक्सप्लोर कर सकूँ। मैंने कुछ समय तक वहाँ पर काम किया, और मैं बहुत ज़्यादा लकी था कि मैं एक बहुत ही रिनाउंड फैशन कंसल्टेंट के अंडर काम कर सका, और सेलिब्रिटीज़ लाइक ऋतिक रोशन, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, इन लोगों को कंसल्ट किया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बैक ऑफ माई माइंड तो मिस्टर इंडिया बनने का सपना था ही, बट फैशन की दुनिया का एक्सपोजर और फैशन का नॉलेज ने मुझे और थोड़ा पुश किया कि मैं बिल्कुल इस टाइटल के लिए कोशिश करूँ।
और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं वहाँ का विनर रहा, तो आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन ब्रिंग मोर हैप्पीनेस देन दैट। वेल आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्स तो इतने ज़्यादा मिले, इतना ज़्यादा ओवरवेलम था मैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तब हुई जो मेरे अंकल बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे मेरे इस डिसीजन से। उन्होंने मुझे आके बीच सभा के अंदर गले लगाया और कहा, सबके सामने अनाउंस किया कि आई वॉज रॉन्ग और मेरे बेटे ने मुझे आज प्राउड फील करवाया है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो आई थिंक वो एक मोमेंट था। और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, तो एक इंसान ने मुझे एक मैसेज किया और कहा कि मेरा भी कभी ये ड्रीम था कि मैं इस तरीके के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूं और इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करूं, बट मैं वो नहीं कर पाया। बट मैं आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूं और मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं आपके थ्रू अपना ड्रीम जी रहा हूं। तो आई थिंक वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अगर मैं किसी और के सपने भी जी सक रहा हूँ, तो आई थिंक इससे बड़ी गर्व की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। तो आई थिंक दैट वाज वन थिंग दैट रियली रियली काइंड ऑफ बूस्टेड मी। से दैट यू नो मेरे पेरेंट्स, ऑफ कोर्स माय मॉम एंड डैड स्पेसिफिकली, वो मेरे साथ हमेशा से रहे हैं। मैं जॉइंट फैमिली से आता हूँ, तो बाकी के जो मेरे अंकल्स हैं वो मेरे डैड से बड़े हैं। प्यार इतना फैमिली में है कि अगर मुझे चूज़ करना पड़ जाए कि मैं अपने पिता से ज़्यादा प्यार करता हूँ या अपने ताऊजी से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो रिस्पेक्ट हर किसी के लिए उतनी ही है, बट क्योंकि मेरे फैमिली वाले ताऊजी जो मेरे डैड से बहुत बड़े हैं और सीनियर हैं, तो वो समझ नहीं पाते थे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी नहीं थे, खुश भी नहीं थे कि मैंने ये रास्ता चुना है। तो उनका कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था मेरे स्ट्रगल पीरियड के दौरान। बट आई वुड से कि यू नो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरे टीचर्स ने स्पेशली, स्कूल से लेके कॉलेज के टीचर्स, मेरे MBA के टीचर्स, हर कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा है मेरे ड्रीम को लेके। तो आई थिंक ये एक इंसान को मैं श्रेय नहीं दे सकता हूँ, दिस इज़ लाइक अ जॉइंट एफर्ट ऑफ एवरीबडी दैट आई कुड रीच हियर। ना तो ऐसा प्लान नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरा फोकस यही है, क्योंकि मिस्टर इंटरनेशनल का टाइटल आज तक इंडिया में नहीं आया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करूँ, इतना अपना जी जान लगाऊँ कि टाइटल इंडिया में लेके आ सकूँ इस साल। और आई थिंक डेफिनेटली बिजनेस प्लान्स होंगे, करियर प्लान्स होंगे, बट वो सारे के सारे मिस्टर इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट के बाद। प्रेशर तो होता है, प्रेशर तो मिस्टर इंडिया के लिए भी था, बट एज आई सेड दैट यू नो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक इट, हाउ मोटिवेटेड यू आर एंड हाउ योर प्रेशर डजेंट अफेक्ट योर प्रिपरेशंस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रिपरेशंस बहुत ज़्यादा चल रही हैं, आई विल हैव टू रियली कॉन्सेंट्रेट ऑन माई फिजिक, माई डाइट एंड मेक श्योर दैट आई डू नॉट मिस माई वर्कआउट रूटीन एट ऑल। उसके अलावा बहुत ज़्यादा NGOs के साथ में मैं बात कर रहा हूँ और शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ कुछ NGOs और कॉजेज़ जिन्हें मैं प्रमोट करना चाहूँगा। तो कुछ कॉजेज़ मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, जैसे एंटी डिप्रेशन कॉज हो गया, या ब्लू व्हेल गेम जो आज कर रही है यूथ को, कितने लोग अपने आप को मार चुके हैं उस गेम की वजह से। आई वुड वॉन्ट टू पिक सम टॉपिक्स विच आर वेरी वेरी इंटरनेशनल और जिन्हें मैं सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली प्रमोट कर सकूँ। तो आई थिंक दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस देर आर लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स दैट आर गोइंग इन माई माइंड, आई थिंक विद टाइम आई विल डेफिनेटली शेयर देम विथ यू। I would say be very very prepared when it comes to rejections.
आपको रिजेक्शंस आई थिंक हर फील्ड में मिलते हैं, बट इस फील्ड में जितना आपको रिजेक्शंस फेस करना पड़ेगा, आई थिंक दूसरे किसी फील्ड में उतने रिजेक्शंस आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे. सो ओनली इफ यू आर वेरी वेरी श्योर दैट यू कैन बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड यू कैन टेक रिजेक्शंस, तभी इस फील्ड में आप आने की कोशिश करिए. क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत बूस्टअप होके इस फील्ड में आते हैं, बट जब थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं. क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस में लोगों ने सुसाइड भी किया है, तो आई थिंक ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है. तो वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज हर तरीके के लोगों की ज़रूरत है इस फील्ड में, बट यू इट विल टेक टाइम एंड यू रियली हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड रेडी टू टेक रिजेक्शंस. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट और लगे रहो, मेहनत करते रहो, हर तरीके के लोगों से मिलो. आई मीन कुछ आपको अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, कुछ बुरा देंगे, बट एट द एंड ऑफ इट लाइक यू नो एक्सपीरियंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वही होते हैं जो आपको एक यू नो ऐसा इंसान बनाते हैं हु विल लुक अप टू. So all the best for it, whoever is wanting to become a model. And I think it's a very great career to be into and you must definitely give it a shot. आप अपने आप के ऊपर पहले तो थोड़ा सा काम करिए, और जब आपको लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हो इस फील्ड में कदम रखने के लिए, गेट अ गुड पोर्टफोलियो डन. जब मैं बोल रहा हूँ कि पोर्टफोलियो डन, तो नॉट नेसेसरीली कि पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा महंगा होना चाहिए, बट डेफिनेटली एक अच्छे DSLR कैमरा से आपके अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक होने चाहिए. और आई थिंक आप अगर मुंबई में आते हैं तो आजकल तो ऑनलाइन भी इतनी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि प्रमोट करती हैं आपके हुनर को, तो आप अपने फोटोग्राफ्स वहाँ पर अपलोड करिए. फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं मॉडल्स के लिए, एक्टर्स के लिए, तो वहाँ पर अपने फोटोग्राफ्स शेयर करिए. तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ ग्रेट फर्स्ट स्टेप फॉर यॉल. और बाकी की चीज़ें ऑटोमेटिकली विथ टाइम अनफोल्ड होती रहती हैं, और आई थिंक अनफोल्ड होने में ही उनका बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ा है. तो आई थिंक दैट्स द फर्स्ट स्टेप यू शुड टेक.